तो गाइस आ गए एकदम न्यू झक्कास स्टूडियो के साथ, जिसमें मैं आपको बताने वाला हूँ टॉप 10 हिडन प्लेस इन क्लेयर स्क्वायर कालाहारी, और लास्ट में एक बोनस ट्रिक भी है। तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करो, बेल आइकन को ऑल पर प्रेस करो, और बस लाइक करो, शेयर करो अपने फ्रेंड के साथ, और मिस्टेक हुई तो कमेंट करना मत भूलना। तो काउंसिल हॉल पर आ जाते हैं हम लोग। काउंसिल हॉल पर आपको एक गड्ढा दिख रहा होगा, ठीक है, इस गड्ढे पर आप जा सकते हो। गड्ढे पर जाके आप बाहर की साइड से ग्लू वॉल कर दो, कोई आपको मार नहीं पाएगा। फुल कवर, बॉम्ब बॉम्ब कुछ भी फेंक दो, कुछ उखाड़ नहीं पाएगा, ग्लू वॉल कर दो उसी पे, ठीक है। मैं तो ग्लू वॉल नहीं करा मैंने। तो आ जाते हैं नेक्स्ट प्लेस की तरफ। नेक्स्ट प्लेस में भी काउंसिल हॉल नहीं है, तो आपको यहाँ पे एक गड्ढा सा एक और दिख रहा होगा। यहाँ पे आप सिंपली क्रॉस करके यहाँ पे स्टेबल रह सकते हो, ठीक है। तो देखो यहाँ पे मेरे को एक बंदा दिखेगा, ये बंदा दिखा, उसको मारने का ट्राई करा बट मरा नहीं। तो नेक्स्ट प्लेस की ओर आ जाते हैं वापस। तो नेक्स्ट प्लेस ये वाला घर है। ये वाला घर पे आपको है ना थोड़ा दूर से जंप करना है, ये मेरे से नहीं हो पाएगा लगता है। तो कोई बात नहीं, हमसे वापस नहीं हुआ तो कोई बात नहीं, वापस जाते ऊपर, वापस चलो चलो वापस जाते हैं। एंड वापस आपको थोड़ा सीढ़ी के मतलब ये जो विंडो है ना उससे थोड़ा दूर ऐसे दूर जाओ ऐसे, और फिर स्प्रिंट करो और जंप करो, ठीक है, और क्राउच दबाओ। एंड बस यहाँ पे आ गए आप ये पट्टी के ऊपर, पट्टी के ऊपर आ जाओ, आगे से क्लियर कर दो, बस कोई नहीं मार पाएगा, ठीक है। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट प्लेस की तरफ। तो नेक्स्ट प्लेस आपको ये शिप के पास देखने मिल जाती है। तो आपको ये जो है ना इसके ऊपर आप आ सकते हो, दिख रहा है जो ब्राउन कलर की है स्ट्रिप है ना लकड़े की, उसके ऊपर आ सकते हो, जो वुडन की स्ट्रिप है ना उसके ऊपर आप आ सकते हो। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट प्लेस की तरफ। नेक्स्ट प्लेस यहाँ पे आपको मिल जाएगी। यहाँ पे आपको सिंपल सा पता नहीं है कुछ है बॉक्स जैसा, आप उसके अंदर जाके सो सकते हो शांति से। मैं सो नहीं पाया क्योंकि बंदा सामने आ गया, पर आप सो सकते हो, ठीक है, क्राउच भी कर सकते हो, स्लीप भी दबाओगे तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप सो सकते हो। तो नेक्स्ट प्लेस की तरफ। एंड आप यहाँ पे आपको सिंपली इसके ऊपर चढ़ जाना है, इसके ऊपर चढ़ के आपको क्राउच करके जंप करना है, ठीक है, लिटल सा। और यहाँ पे आ गए, यहाँ पे आपको आगे से भी कवर मिलेगा, साइड में से भी, हर जगह से कवर मिलेगा, आप सामने मार सकते हो ऐसे, मारो मारो कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, यहाँ पे आपको बहुत अच्छा कवर मिल जाता है। आप डायरेक्ट यहाँ से भी आ सकते हो, बट आप जहाँ से आना वहाँ से देखो यहाँ पे बंदा दिखा। एंड चलो अब यहाँ पे ये जो घर है वहाँ पे आपको ये गड्ढा जैसा दिख रहा होगा, ठीक है। तो इस गड्ढे के थ्रू आप कहाँ जा सकते हो, इस ट्रक पे सिंपली आओ, स्प्रिंट दबाओ और जंप करना है, ठीक है। आ गए ट्रक पे बिना टीममेट के, ठीक है। तो यहाँ पे आप बिना टीममेट के आ सकते हो गाइस, बहुत अच्छी ट्रिक है, बहुत ही अच्छा कवर मिल जाता है आपको यहाँ पे। तो एक बार तो ट्राई करना, ठीक है। चलो नेक्स्ट प्लेस की तरफ बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट प्लेस तो एकदम ओपी, आपको एकदम टॉप पे ले जाएंगे हम लोग। तो चलो गाइस, चल चल जल्दी चल, देख लो कहाँ पे। एंड आपको यहाँ पे आ जाना है, यहाँ पे आके आपको बहुत लोगों को नहीं पता इसलिए मैं बता रहा हूँ, ये कोई ट्रिक भी नहीं है, बट बहुत लोगों को ये नहीं पता होती कि जगह है। तो अब यहाँ पे आके आप यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे बहुत ही अच्छा, इतना अच्छा कवर मिलता है, मतलब चारों साइड से इतना कवर मिल जाता है ना आपको कि क्लेयर स्क्वाड आप अकेले हो ना तो पूरी स्क्वाड वाइप कर सकते हो आप, ठीक है गाइस। यहाँ पे देखो एक नॉक डायरेक्ट हेड ही लगती है यहाँ से, जैसे ही देखो अभी मेरे को पड़ेगी तो मैं डायरेक्ट सो ही जाऊंगा, तो उस बंदा क्या करेगा, आप वापिस आएगा मारने यहाँ तक, नहीं आएगा ना, मतलब बहुत ही अच्छा कवर मिल जाता है आपको। तो ये वाली ट्रिक ट्राई करना, बहुत ही अच्छी ट्रिक है। तो देखो अभी देखो मेरे को बंदा दिखा, मैं मार रहा हूँ, अब वो भी मेरे को मारेगा तो मैं डायरेक्ट सो ही जाऊँगा ना, ये देखो देखो मैं मेडी मार रहा हूँ पड़ी तो। तो नेक्स्ट प्लेस की तरफ आ जाते हैं, और नेक्स्ट प्लेस आपको ये घर दिखने मिल जाता है जो कि टावर के पास होता है। ये जगह का नाम तो मुझे पता नहीं है, कोई भी बात नहीं, देख लो आप, आपने देखा होगा मैप पे दिख रहा है बे फ्रंट ऐसा कुछ है। तो आपको आ जाना है ये घर पे और डायरेक्ट स्प्रिंट करके जंप करना है, थोड़ा पीछे से स्प्रिंट करना इतना आगे, ठीक है, और जंप खत्म भाई। ये तो बहुत ही अच्छी जगह है, ये तो आप ट्राई करोगे ही करोगे, ठीक है। बस आगे ग्लू वॉल बना दो, कवर ले लो और शांति से सामने वाले बंदों को मारो, पीछे से भी एक ग्लू वॉल लगा दो तो मतलब चारों साइड से आपको कवर मिल जाएगा बहुत ही अच्छा खासा। तो बस ये ट्रिक थी अभी। देखो अब ये बंदा दिखा, एम नहीं जा रहा था साले, अभी मेडी 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 मारो, ठीक है, मतलब ग्लू वॉल हो ना आपके पास एक दो, एक भी हो तो भी बहुत अच्छा कवर बना सकते हो आप सामने,
टूट जाए तो कोई नहीं। और याद रखना यहाँ पे आप मतलब सामने वाले के पास एम ए टू भी है तो ग्लू वॉल के आर पार मार सकते हो, ठीक है। तो एम ए टू भी है तो ग्लू वॉल हो तो भी आप क्राउच वापस स्टैंड करना, वापस क्राउच करना, ऐसा करते जाना। तो नेक्स्ट प्लेस देखते हैं। नेक्स्ट प्लेस आपको ये घर पे देखने मिल जाती है गाइस। तो इस घर पे है ना आपको एक छोटा सा एक मतलब एक स्ट्रिप जैसा है कुछ दीवार का, तो मैं आपको दिखाता हूँ, ठीक है। आपको सिंपल यहाँ पे आना है, ये लोग जिता देंगे मैच तब तक, तो आपको यहाँ पे आना है, क्राउच करना है, यहाँ पे सिंपल यहाँ पे आ जाना है। तो सामने बंदा हो तो आपको यहाँ पे कवर मिल सकता है, और आप वापस बाहर निकल के बंदों को मारो, वापस कवर लो, ऐसा कर सकते हो, ठीक है। ये कोई हिडन प्लेस नहीं है, ये तो सिर्फ मैंने ट्राई किया था काउंसिल हॉल में, शायद मेरे से हो जाए। पर आपके पास अगर डीजे आलोक हो तो आपके पास 100% हो ही जाएगा, ठीक है। डीजे आलोक चाहिए इसके लिए, डीजे आलोक बिना तो शायद हो भी सकता है, बट मेरे से तो नहीं हुआ। पर आपके पास डीजे आलोक हो तो ये ट्राई करना, बहुत ही अच्छे से हो जाएगा ये, ठीक है। तो देखते हैं। देखो देखो देखो, अरे ये टायर पे जंप, ओके। तो यहाँ से आपको देखा है सामने वाला ये जो अपार्टमेंट जैसे ये घर दिख रहा होगा, उसके ऊपर आप जा सकते हो अगर आपके पास डीजे आलोक हो तो। इसके बिना आप कितना भी बड़ा रनअप ले लो नहीं जा सकते, ठीक है। कितना भी बड़ा रनअप ले लो नहीं ही जा सकते। डीजे आलोक होगा तो बहुत ही आसानी से जा जाओगे, या तो केली 6 लेवल पे होगी ना तो भी आप चले जाओगे, बट ये इस सबसे नहीं जा सकते। देखो ये जोरदार है, ठीक है। तो अब बढ़ते हैं नेक्स्ट प्लेस की तरफ। तो ये नेक्स्ट प्लेस यहाँ पे आपको देखने मिल जाएगी। यहाँ पे आपको क्या करना है, सिंपल से ये सीढ़ी जैसा है उसके ऊपर चढ़ जाना है, यहाँ पे साइड पे आना है, तो यहाँ पे ऐसे जंप करना है एक और यहाँ पे आ जाना है। बहुत ही अच्छा कवर, ये तो वन ऑफ द बेस्ट कवर है, मेरी फेवरेट जगह है ये। हर बार मैं यहाँ पे ये मारती तो मैं यहाँ पे छुपता ही छुपता हूँ। बहुत ही अच्छी कैंपिंग की जगह है, आप भी ट्राई करो। तो नेक्स्ट प्लेस की तरफ बढ़ते हैं। और नेक्स्ट प्लेस तो कोई प्लेस नहीं है, ये सिर्फ आपके लिए एक हिंट है कि मतलब आप अगर ये जगह पे आते हो तब कुछ नहीं करना, डायरेक्ट सामने वाले जगह पे रश करना है, ऊपर से नहीं नीचे से जाना, आप रश करो डायरेक्ट, पीछे से प्रैंक मारो बंदों पे। अब देखो मैं प्रैंक मारता हूँ तो कितने अच्छे से पूरा मतलब 2-3 बंदे को पूरा खा जाता हूँ मैं अकेला, ठीक है। मतलब आप प्रैंक मारना सीखो, प्रैंक मारना सीखो। ऐसा नहीं कि मतलब अगर आप अकेले बच्चे हो तो आप कैंप करोगे तो कुछ फ़ायदा नहीं, वहाँ पे जोन आ जाएगा। ये दो बंदे मतलब शांति से पता नहीं क्या कर रहे थे, और खा गया मैं तो, हेड लगी वो सामने वाला। देखो उसने भी प्रैंक मारने की ट्राई की, ये दोनों पागल थे। मैं क्या कह रहा हूँ, आप सिर्फ प्रैंक मारो, प्रैंक मारना बहुत अच्छी मतलब ये जगह तो प्रैंक मारने के लिए वन ऑफ द बेस्ट है। देखो एक और बंदा आएगा ऊपर, लगता है मेरे को रश करना है। ये आया बंदा, इसको भी मैं खा जाता हूँ। और भाई क्या हेड लगी। तो भाई प्रैंक मारना सीखो यार, बंदों पे प्रैंक मारो डायरेक्ट, कुछ उखाड़ नहीं पाएंगे ये लोग, ठीक है। और ये जगह तो वन ऑफ द बेस्ट जो प्रैंक के लिए, मतलब बंदों पे प्रैंक मारो, पीछे से मार दो, बंदों को मालूम नहीं पड़ेगा कहाँ से आया कहाँ से मार गया। वापिस मैं एक बार ट्राई करता हूँ ये करने की, बट नहीं होगा मेरे ख्याल से, देख लेते हैं शायद हो जाए। अरे यार हेल्थ वेस्ट हुई, कोई बात नहीं, नहीं हुआ कोई बात नहीं। तो बस गाइस आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे। चैनल पे नहीं हो तो सब्सक्राइब करो, वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करो और अपने फ्रेंड के साथ शेयर करो, ठीक है। हम ऐसे ही नए नए वीडियो लाते रहेंगे, और हम रोज 12 बजे लाइव स्ट्रीम भी करते हैं, लाइव स्ट्रीम। तो बस चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करो। ओके गाइस बाय, नेक्स्ट वीडियो पे जल्दी मिलेंगे।